हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक स्मार्ट ईट स्मार्ट। आज हम बनाएंगे बादाम मिल्क शेक। ये दूध हमारे सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी है, तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बादाम मिल्क बनाने के लिए हमने यहाँ पे बादाम ली है 20 नंग। उसको हमने पानी में भिगो दिया था 5 से 6 घंटे के लिए। फिर हमने उसको छील के ऐसे तैयार कर लिया है। अब हम बादाम को मिक्सचर में पीस लेंगे। थोड़ा सा दूध या पानी आप डाल सकते हो। हमने बादाम को अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लिया है। हमें ऐसा स्मूथ बैटर चाहिए। हमने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है। इसे हमें उबाल लेना है। थोड़ी देर हम इसे उबालेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। हमने यहाँ पे 1/4 कप मिल्क लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। फिर उसे हम अच्छी तरह से दूध में मिला लेंगे। ये हमारा वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है। ये कस्टर्ड पाउडर अच्छी तरह से दूध में मिल जाएगा। फिर हम उसमें मिल्क जो हमारा उबलने के लिए रखा है उसमें हम डालेंगे। दूध हमारा अच्छी तरह से उबल चुका है। अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे। कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरह से दूध में फेंट लेना है। इसको हमें 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। फिर हम डालेंगे स्वाद के अनुसार शक्कर। हमने यहाँ पे 6 टेबलस्पून शक्कर ली है। इसे हम दूध में अच्छी तरह से मिला लेंगे। कस्टर्ड पाउडर को पकने के लिए 4 से 5 मिनट लगेंगे। फिर हम उसमें डालेंगे पिसा हुआ बादाम। दूध को हम अच्छी तरह से उबालेंगे। अब हम दूध में थोड़ा केसर मिलाएंगे। दूध हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। बाद में हम उसको फ्रिज में रखेंगे 4 से 5 घंटे के लिए। हमारा दूध अब ठंडा हो चुका है। अगर आप ये बादाम मिल्क व्रत में उपयोग करने वाले हो तो आप इसमें कस्टर्ड पाउडर ना डालें। अब हम बादाम मिल्क को सर्व करेंगे। अब हम मिल्क को गार्निश करेंगे बादाम और पिस्ता की स्लाइस से। एंजॉय। हमारा बादाम मिल्क पीने के लिए रेडी है।